हेलो एंड वालेकुम एवरीवन आई होप आप सब ठीक होंगे आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपने बेबी की नर्सरी बेबी की जगह जो मैंने अपने रूम में बनाई है सो uh, बेसिकली so मेरे रूम में इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी मैंने एक दीवार और एक uh, थोड़ी सी स्पेस खाली की अपने बेबी की चीज़ें पूरी करने के लिए सो लेट्स सी हाउ आई डिड दैट ओके सर दिस इज़ द कबर्ड इसमें मैंने बेबी की सारी चीज़ें जितनी आ सकती थी वो रखने की कोशिश की है ओके सो फर्स्ट ड्रॉर में है बेबी के शूज़ और बूटीज़ कैन सी इसके बड़े क्यूट क्यूट शूज़ हैं और पीछे करके इसकी बूटीज़ और मिटन्स भी मैंने इसी ड्रॉर में रख दिए हैं ओके ओके इन द नेक्स्ट ड्रॉर इसमें बेबी के सारे बिब्स और पीछे करके इसकी सारी कैप्स मैंने रख दिए हैं और जो कि चीज़ें मुझे ज़्यादा चाहिए वो मैंने ऊपर ऊपर करके रखी हैं और जो चीज़ें अभी इसको नहीं पूरी वो मैंने नीचे करके रख दी हैं ओके इन द नेक्स्ट ड्रॉर इस ड्रॉर में है बेबी के कपड़े इसके सारे कपड़े मैंने इसी ड्रॉर में रखे हैं जो कपड़े इसको नहीं पूरे अभी बड़े हैं वो मैंने नीचे नीचे करके रखे हैं और जो अभी पूरे हैं वो ऊपर ऊपर करके रखे हैं सो दैट यू नो जब आप निकालें तो आपको ईजी हो एंड इट्स नॉट अ फर्स्ट ओके ये बड़ा ही क्यूट सा रॉम्पर है इसका इसके अलावा आई हैव मेड एंड अदर वीडियो जिसमें मैंने बेबी शॉपिंग दिखाई है अपनी सो यू कैन जस्ट चेक दैट वीडियो आउट इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस कबर एज़ वेल ओके सो फोर्थ डॉर में मैंने बेबी की सारी रैपिंग शीट्स रखी हैं यू कैन सी इसमें इसकी सारी रैपिंग शीट्स हैं कुछ अभी बहुत बड़ी हैं बट वो भी मैंने इसी में रखी हैं सारे रैपिंग ब्लैंकेट्स और रैपिंग शीट्स इसमें हैं ओके ओके सो नेक्स्ट ड्रॉर में बेबी के टॉवल्स रखे हैं मैंने और एक ये की और किट रखी है और ये इसके पैकेट के अंदर मैंने इसके सारे फेस टॉवल्स डाल दिए हैं सो दैट इट्स ईजी और ये छोटे छोटे होते हैं तो ये कहीं गायब ना हो जाएँ ढूंढना मुश्किल ना हो इसलिए इसमें डाल दिए और बाकी इसके ये तीन टॉवल्स हैं जो कि अभी के लिए बहुत हैं काफ़ी हैं ये एक इसका ये टॉवल है एक इसका ये टॉवल है काफ़ी बड़े हैं साइज़ में तो ये काफ़ी टाइम चल जाएंगे लास्ट ड्रॉर में मैंने क्या रखा है लास्ट स्टॉर में मैंने वो कपड़े रखे हैं जो बेबी को छोटे हो गए हैं वो सारी चीज़ें ये शूज़ बूटीज़ ये सब छोटे हो चुके हैं आपके बेबी के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे होंगे बाय द वे तो इसकी कैप्स जो चीज़ें भी अब यूज़ में नहीं हैं वो सब मैं इस स्टॉर में रखती जाती हूँ ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉट ये मैंने कहाँ से लिया है ये तो मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है ओके okay, सो so ये जो शीट सेट है बेड शीट सेट ये मैंने लिनन कंपनी से ऑर्डर किया था विद दीज टू पिलोज़ और ये सब कुछ उसमें आया था उसके अलावा ये जो बी वाला पिलो है ये मुझे गिफ्ट मिला है ओके एंड दिस आई बॉट माई सेल्फ ओके उसके अलावा ये दो टेडीज भी हमें गिफ्ट में मिले हैं एंड दीज़ आर हिज पोजिशनिंग पिलोस जब ये चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं तो मैं इनको कॉर्ट में रख देती हूँ यू कैन यू नो यूज़ द स्पेस बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर मेरे रूम में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है सो आई हैड टू यू नो अरेंज इट ऑल वेरी नाइसली तो उसके लिए अगर आपके और भी पेलोज़ वग़ैरह हैं अभी बेबी कॉट में इतना ज़्यादा नहीं लेटता तो आप ये चीज़ें उनमें कॉट में रख सकते हैं सो so, कॉट के जो ड्रॉर्स हैं इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है मैंने इसके अंदर बेबी का ब्लैंकेट और पेलोज़ इसका बाथर और इस तरह की चीज़ें जो टॉयज़ वगैरह भी वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसकी वजह से भी मेरी बन गई है ओके सो आई हैव डेकोरेट द वॉल दीज क्यूट फ्रेम्स और ये बहुत प्यारी हार्ड शेप लाइट्स ये लाइट्स मैंने हारून से लिए हैं और उसके अलावा ये जो थ्री फ्रेम्स हैं ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज से ऑर्डर किए थे आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक दम आउट ओके okay, सो so ये जो झूला है जो कॉट के साथ आया था ये भी काफ़ी यूज़फुल है और इसको मैं कहीं भी ले जाती हूँ यहाँ पे फिलहाल कॉट के सामने रखा हुआ है कमरे में हो तो यहाँ पे रख देती हूँ वरना बेबी जब बाहर जाता है तो ही गोज़ इन दिस तो ये काफ़ी यूज़फुल है दैट्स पिस्ती ओके एवरी वन दै वॉज़ अबाउट इट आई होप यू लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द कामेंट्स बिलो एंड डू चेक माई अदर वीडियो आउट जिसमें मैंने बेबी की शॉपिंग की डिटेल uh, भी बताई हुई है सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन आप uh, मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू